चलिए सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर जो कि सुकमा से आ रही है, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच हो रही मुठभेड़ खत्म हो गई है। इस मुठभेड़ में डीआरजी के 2 जवान शहीद हो गए, एसटीएफ और डीआरजी की 4 जवानों को गोली लगी है। नक्सलियों ने ठेकेदार के सुपरवाइजर की हत्या की थी। नक्सलियों ने 6 वाहनों में आगजनी की। भेजी से चिंता गुफा मार्ग पर सड़क निर्माण चल रहा है, जिस दौरान नक्सलियों ने 6 वाहनों में आगजनी की और नक्सलियों ने ठेकेदार के सुपरवाइजर की हत्या की थी। सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच चल रही मुठभेड़ खत्म हो गई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नागेंद्र फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी नागेंद्र, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी, क्या कुछ ताजा अपडेट है? पूरा पूरा मामला है सुकमा जिले के बेज्जी थाना क्षेत्र का है, जहाँ पे बेज्जी और मुसलमानों के बीच में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था, जहाँ पे सीआरपीएफ और डीआरजी के जवान सुरक्षा दे रहे थे, जिसमें घात लगाए नक्सली, वर्दीदारी नक्सली 500 से अधिक तादाद में आकर मुठभेड़ जैसी बड़ी घटना को अंजाम दिया, और जिसमें 2 डीआरजी के जवान शहीद हुए हैं और एसटीएफ के 4 जवान घायल है अभी। जी।